यूपी के फतेहपुर जिले में एक पिता को अपनी बेटी का रिश्ता करना भारी पड़ गया। पिता को क्या पता था कि अपनी बेटी के रिश्ते वाले दिन ही अपनी जान गंवानी पड़ेगी। फतेहपुर जिले के बिंदकी कोतवाली क्षेत्र के नयापुरवा गांव का रहने वाला 45 वर्षीय राम सुफल निषाद की पुत्री माला देवी की शादी हमीरपुर जिले में तय हुई थी और इसी महीने 6 दिसंबर को बारात भी आनी थी, लेकिन दहेज की मांग पूरी न होने के कारण बराती बारात लेकर लड़की के घर नहीं आए, जिसके बाद पीड़ित पिता ने इस घटना की लिखित शिकायत एसपी के समक्ष पेश होकर की थी, जिसके बाद पुलिस इस पूरे घटनाक्रम की जांच करने में जुटी ही थी कि इस मामले में एक नया घटनाक्रम सामने आ गया। वहीं इस मामले में भी मृतक की बड़ी बेटी प्रीति देवी का आरोप है कि लड़का छेदू पुत्र राम गोपाल निवासी मनोहर थाना हमीरपुर के साथ शादी तय हुई थी, वो बारात लेकर नहीं आए, जिसके बाद से मृतक पिता दुखी रहता था और बीती शाम घर से जंगल गई पुत्री अचानक गायब हो गई और देर रात तक जब पुत्री अपने घर वापस नहीं आई तो पिता ने घर के अंदर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मेरी बहन की शादी थी 6 दिसंबर को, तो वो बारात लेके नहीं आए थे, तो पापा को मेरे टेंशन थी, उन्होंने रिपोर्ट भी लिखवाई थी, उन्होंने यही कहा था कि अगर सुनवाई नहीं होती तो मैं सुसाइड कर लूंगा, हमको उन्होंने बताया भी था। और फिर वही कल 4 बजे के लमसम मेरी बहन ने नहाया धोया बस घर से निकल गई, और फिर हम हमसे बोल के गई थी कि हम लकड़ी लेने जा रहे, तो हम पापा हमसे पूछ रहे थे कि कहाँ गए ये, तो हमने कहा कि लकड़ी लेने गए, तो हमने कुछ भी नहीं कहा था, हमने कहा पापा शाम तक आ जाएगी, तो बस इसी वजह से वो बैठे रहे। और फिर शाम को बोल रहे थे कि नहीं आएगी अगर तो मैं सुसाइड कर लूंगा, और तू समझदार है मेरी लड़की है तो मैं तुझसे बोल रहा हूँ, मेरे लड़के बच्चे को देखना, मैं कल सुसाइड कर लूंगा, मैं वैसे भी बचूंगा नहीं, नाइट में मैं फांसी लगा लूंगा। और फिर 4 बजे के लमसम जब बहुआ हमारे बड़े वाले चिल्लाने लगे, वो बाहर से दरवाजे की गेटेट लगा के फांसी लगाई थी इन्होंने। इस पूरे मामले में एसपी सतपाल अंतिल ने बताया कि बिंदकी के नयापुरवा गांव से पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति ने सुसाइड किया है, जिसके बाद मौके पर पहुंचे पुलिस ने जांच करते हुए पाया कि राम सुफल नामक व्यक्ति ने सुसाइड किया है। देखिए, ये बिंदकी का नयापुरवा गांव है जिसमें आज सुबह पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति ने सुसाइड किया है। तुरंत मौके पर पुलिस पहुंची और वहां पर जांच में पाया गया कि ये राम सफल नाम के व्यक्ति हैं जिनके द्वारा सुसाइड किया गया है, और इनके परिवार में इनकी 7 बेटियां हैं और 3 इनके पुत्र हैं। इनकी पूर्व में इनकी एक बेटी की शादी हमीरपुर में तय हुई थी और वो बारात न आने की वजह से ये काफ़ी आहत थे। वहाँ पर स्थानीय थाने के द्वारा और कुछ लोगों के द्वारा इसमें पंचायत कर एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की गई थी, परंतु वो रास्ता न निकल पाने की वजह से, और इसमें जांच भी प्रचलित थी, रास्ता न निकल जाने की वजह से ये काफ़ी आहत थे और इनके द्वारा सुसाइड किया गया। इनके परिवार की तरफ से एक तहरीर थाने पर दी गई है, इसमें तहरीर पर तुरंत प्रभाव से मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और जो इनमें 2 लोगों को अभियुक्त बनाया गया है उनकी गिरफ्तारी हेतु टीमों को दिशा निर्देशित कर दिया गया है। टीमें हमीरपुर जाकर उनके जो एक्यूज है उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगी और इसमें एक एडिशनल एसपी के द्वारा ये पूरे के पूरे मामले में जांच भी करेंगे। इनके परिवार में 7 बेटियां हैं और 3 बेटे हैं। इनकी एक बेटी की शादी हमीरपुर में तय हुई थी और बारात न आने से ये काफी आहत थे, जहां स्थानीय लोग व थाने के द्वारा इस मामले में पंचायत कर बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की थी, और इस मामले में रास्ता न निकल पाने की वजह से वो काफी आहत थे और इनके द्वारा सुसाइड कर लिया गया। परिवारजनों की तहरीर पर तुरंत मुकदमा दर्ज करते हुए 2 लोगों को अभियुक्त बनाया गया और गिरफ्तारी हेतु टीमों को दिशा निर्देश भी दे दिया गया है। जल्द ही इस मामले में गिरफ्तारी की जाएगी और एडिशनल एसपी द्वारा पूरे मामले की जांच कराई जाएगी। हालांकि पुलिस का कहना है कि मामला कुछ और ही है, फिलहाल मृतक की बेटी अभी तक घर से लापता है। अब देखना होगा कि पुलिस इस घटना की खुलासा कब तक कर पाती है। उमाकांत पुंडी, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, फतेहपुर।